अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कीमा बनाने की रेसिपी। तो ये कीमा सहरी में खाने के लिए बहुत ही मज़े का बनता है। जैसा हम बाहर से लाते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट का बनेगा, उससे भी अच्छा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कीमा ले लेना है। मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा लिया है। उसके साथ फैट लेंगे थोड़ा, देखिए, और पानी बिल्कुल निकाल देंगे हम। अब इसको मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच ऐड करेंगे हम, और हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, और काली मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और नमक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके हमें छोड़ना है। तो देखिए मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। अब हमें इसको ढक्कन ढक के साइड में रख लेना है 10-15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट कर लिया है। देखिए यहाँ मैंने पैन गरम पे रख दिया है। तो देखिए पैन हो चुका है गरम। अब हम इसके अंदर तेल ऐड कर देंगे। तेल हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच, अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा। अब तेल को गरम होने देंगे। तो तेल गरम हो चुका है, अब हमें उसके अंदर ऐड करना है प्याज। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक का हमें फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने ली 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और 6 से 7 हरी मिर्ची। इसको एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है, इसको भी साइड में रख लेंगे अभी। तो देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, कीमा हमारा मैरिनेट हो चुका है, और इस तरफ प्याज भी ब्राउन कलर आ चुका है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्याज। देखिए अब हमें इसके अंदर कीमा ऐड कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भूनना है। तो देखिए कीमे को हम भून गए, अभी 5 मिनट और भूनेंगे अच्छे से। अदरक लहसुन का जब महक निकल जाएगा उसके अंदर से, तब हमें और मसाला ऐड करना है। तो देखिए भून चुका है, अब हमें इसके अंदर ऐड करना है धनिया पाउडर। 1 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। मसाला हम साथ में नहीं डालेंगे, अलग अलग डालेंगे और भूनते रहेंगे। अब इसको भी हमें भूनना है 5 मिनट के लिए। अब हमें इसको ढक्कन ढक के छोड़ देना है। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। अभी पानी जो भी है वो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो भी पानी है उसे हमें फास्ट पे सुखाना है। सूख चुका है पानी, तो अब हमें उसके अंदर डाल देना है दही। तो दही मैंने 2 चम्मच लिया है छोटा, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अब इसको भी मिक्स करके भून लेंगे। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है जो हरा मसाला हमने पीस के रखा था वो। इसको भी अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। अब भूनेंगे खूब अच्छे से इसको। इसका फ्लेवर जब आप खाएंगे ना, क्या अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो सहरी में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है बहुत कम टाइम में। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब इसी के साथ हमें डाल देने हैं उबले हुए हरे मटर। 1 कटोरा भर के मैंने लिया है, आपको जितना लेना है लीजिएगा। तो ये डाल के इसको भी अच्छे से भूनेंगे। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है ज़ीरा पाउडर भर के 1 चम्मच। फिर से इसको अच्छे से चला लेंगे हम, और ढक्कन ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे हम पका लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कीमा अच्छे से भून चुका है, और तेल देखिए ऊपर आ रहा है सब। तो अब हमें क्या करना है, उसके अंदर डाल देना है आधा नींबू। आधा नींबू निचोड़ देंगे हम इसके अंदर। और अब हम डाल देंगे उसके अंदर कस्तूरी मेथी, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको और पानी डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो सुखाना है तो सुखा सकते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से थोड़ा सा सुखा लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कीमा तैयार है, और मैंने गैस बुझा दिया है। और पाव से खाइए चाहे रोटी से, देखिए इतना। और थोड़ा अगर पानी डालना है आपको तो डाल सकते हो। अब 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ निकाल कर।
तो देखिए फ्रेंड्स, निकाल के तैयार है और माशाल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स आप बना के ज़रूर से ट्राई करिएगा। देखिए इसका कलर और कीमा मटर बन के तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू रेसिपी लेके।